हाँ अभी पूछिए। सुनने में आया कि पूरे केस बनाने में राखी सावंत पे जो है पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, तो किसी भाईजान का फोन आया था। कौन भाईजान? वो आपके सोर्सेस बताएं। किसका किसका फोन? किसको? आपको पुलिस को? अब पुलिस को किसका फोन गया तो पुलिस बता सकती है ना, या तो राखी जी बता सकती है। क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे? आपने उन्हें मारा है, हाथापाई हुई है? क्योंकि कई सारे चोट के निशान भी उन पर नजर आए, जबकि जिस दिन लिपस्टिक वाला निशान, लिपस्टिक वाला वापस दिखाओ मुझे निशान, देखेंगे। मैं मैडम आपके सवाल के जवाब में, आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो जवाब होगा। मेरा सवाल ही आपके लिए जवाब है। मैं आपको ये मैं ही कर लेता हूँ, नहीं मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ आपसे आपसे। ठीक है, मेरा ही सवाल है, आपको लगता है क्या राखी सावंत को कोई गाली भी दे दे इतनी ईजी है राखी सावंत? मारना तो छोड़ो, आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे? उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे, राखी उन्हें कॉल करके रोती थी। सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे। आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो। अभी चलो मैं बताता हूँ, राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था, जो हाफ फोटो हाफ ये थी वो मैंने देखा उसको, और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है। नंबर वन, मैं एक इस्लामी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं एक प्रॉपर साउथ इंडियन हूँ। जो मेरे मॉरल्स हैं मुझे कहीं भी ये नहीं कहते कि लड़की पे हाथ उठाना है, जहाँ मेरे घर में ये चीज़ें होती है ये कभी भी नहीं हुई है। रही बात राखी, हमेशा जब मेरे रितेश का ट्रायंगल बन गया था, हर छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी, मेरे पे हाथ उठाती थी, और मेरे पास एविडेंस है, और इसका मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, जहाँ मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, जिसमें नाखून के निशान है, स्लैप किया था, इधर मुझे खून आ रहा था, मैंने मेडिकल करवाया है। सॉरी, ये हालत मेरी राखी ने की थी। जस्ट फॉर अ ग्लैंस, ये सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ये सब मैं ग्रुप बना देखो, मैं देखो मेरा मानना है, मेरा मानना है हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीजें हो रही है, मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था, आई मुझे सॉर्ट आउट करना था उसके साथ ही बैठ। ये चीजें मैं एक बार टीवी में भी टीवी बोल रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीजें, राखी से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज प्राइवेट रखें, इसको उछालो मत। और मेरा एक ही सलूशन था, राखी राखी आप मुझे मार रही हो, पीट रही हो, मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ, प्लीज़ हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के चार कमरे के अंदर ख़त्म कर लेते हैं। आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट कि ये हुआ हुआ, हम अलग हो जाते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, हम हिसाब किताब कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। तो अभी क्या केस करने वाले हैं आप राखी के खिलाफ? ये सारे गाइस, लास्ट क्वेश्चन है प्लीज।